दोस्तों एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुड न्यूज ये है कि अमेजोन पे की वॉलेट यूपीआई मिनी केवाईसी में भी मिलना शुरू हो चुका है, और इस वीडियो में ना लाइव प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि अपडेट दे दिए और हो गया, यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कैसे मिनी केवाईसी वाले में भी अमेजोन वॉलेट यूपीआई दिया गया है और मनी ट्रांसफर हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि कैसे यहाँ पर दिया गया है मिनी केवाईसी वाला भी वॉलेट यूपीआई और मनी ट्रांसफर हो रहे हैं, अमेजॉन पे वॉलेट वैलेंस से पेमेंट हो रहे हैं, मनी ट्रांसफर हो रहे हैं। सबसे पहले अमेजॉन पे में आएंगे और आपको ऐड मनी की प्रक्रिया बता देती हैं, ठीक है। अमेजॉन पे में ऐड मनी पर चलते हैं, ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर @अमेजॉन पे का यूपीआई आईडी बन चुका है जो कि वॉलेट का है। 500 रुपया दर्ज करते हैं, ऐड मनी पर क्लिक करते हैं। चलो यहाँ पर यूपीआई से ही स्वाइप करके पे कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वाइप किया और स्वाइप करने के बाद थोड़ा सा वेट करती हैं, यूपीआई पिन दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद प्रोसेसिंग में गया है पेमेंट। एक चीज़ आपने देखा होगा, जब हम अमाउंट दर्ज करते हैं तो लिखा जाता है कि अप टू 10,000 तक ही आप ऐड मनी कर सकते हैं, और ऊपर में लिमिट बताया गया है कि कितना तक और आप ऐड कर सकती हैं, ठीक है, मिनी केवाईसी में। तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं कन्फर्मेशन का, जो कि 500 रुपया का ऑर्डर आईडी भी आ चुका है, 25 रुपया कैशबैक भी इशू कर दिया गया है। चलो बढ़िया बात है। अब यहाँ पर हम आपको ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं, स्कैन क्यूआर पर चलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री मैंने दिखा दिया था, चलो स्कैन क्यूआर, पेटीएम का जो बिजनेस क्यूआर कोड है यहाँ पर उसे स्कैन किया गया, और यहाँ पर 500 रुपया दर्ज करती हैं कंटिन्यू। उसके बाद अमेजॉन पे बैलेंस की ऑप्शन आ चुका है, चलो सेलेक्ट करती हैं और पे करती हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने पे पर क्लिक किया है, यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया है, थोड़ा सा वेट करना है। और ये लीजिए, ट्रांसफ़र हो चुका है, स्कैन करके पे हो चुका है, हिस्ट्री भी आप देख सकती हैं। अब KYC बताते हैं, KYC के लिए KYC सर्च करते हैं, यहाँ पर Amazon पे KYC आ गया, देख लो मिनी KYC है, क्योंकि फुल KYC करने को कहा जा रहा, फ़ोटो और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करके वीडियो KYC इनिशिएट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर KYC भी आपने देख लिया। अब आपको मैं यहाँ पर ऐड मनी वाले ऑप्शन में ले जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए लिमिट कितना है बचा हुआ, वो बता दिया गया है कि कितना तक के ऐड कर सकती हैं, बाकी आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकती हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो पेटीएम का मर्चेंट QR कोड और गूगल पे का मर्चेंट QR कोड सपोर्ट कर रहा, जो कि वेरीफाइड वाला है, और मिनी KYC में आप देख सकती हैं किस तरह से ट्रांजेक्शन किए गए हैं ऐड मनी करके, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से अमेज़न के मिनी KYC में वॉलेट UPI दिया गया है, जो कि मैंने आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा दिया कि जब KYC वाले में जाता हूं तो वहां पर बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और फिर वहां पर आगे KYC की प्रक्रिया आती है। और आपने ऐड मनी के समय भी वहां पर देखा कि 10,000 की लिमिट ही बताया जा रहा, इसका मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों को प्रूफ मिल गया मिनी KYC, और मैं तो जानता ही हूँ कि मिनी KYC है। अब आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो मनी ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, वो यहाँ पर वेरीफाइड मर्चेंट अकाउंट पर हो रहे हैं। जैसे पेटीएम का है तो पेटीएम का वेरीफाइड मर्चेंट अकाउंट है, तो उसी का QR कोड स्कैन करके, ठीक है, और वहाँ पर मनी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। या फिर गूगल पे मर्चेंट है तो गूगल पे मर्चेंट जो वेरीफाइड वाला है उसी पर हो रहा, बाकी अलग UPI QR कोड स्कैन वगैरह करके फिलहाल नहीं हो रहा, आगे का पता नहीं। तो जो कुछ भी था मैंने आपको क्लियर कट में बता दिया है, लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया है। तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, और हमेशा आप लोग इस चैनल के माध्यम से नया नया जानकारी प्राप्त करती हैं, नया नया चीज़ों को जान पाती हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है और आपका कर्तव्य भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। और वर्तमान में जब अमेज़न को कॉल करोगे तो बोला जा रहा है कि फुल KYC वालों को ही मिल रहा, उसमें से भी सभी को नहीं मिल रहा, किसी किसी को दिया जा रहा स्पेसिफिक यूजर को। लेकिन काफ़ी सारे दिनों से मैंने स्क्रीनशॉट प्राप्त किया है, लोगों के द्वारा स्क्रीनशॉट भेजा गया है, जिसमें बताया गया कि मिनी KYC वाला में वॉलेट UPI की ऑप्शन दिया गया, लेकिन जब हम वहां पर यूज़ करने जाते हैं तो बोला जाता है कि आप फुल KYC अपडेट करें। लेकिन एक अकाउंट मिनी KYC वाला जो कि मैंने आपको बताया, तो हो सकता है चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा होगा या फिर मिनी KYC वाले को देकर टेस्ट किया जा रहा होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आपको मिला या फिर नहीं, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, और निराश मत होइएगा, आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।